चौकी इंचार्ज पर पिटाई का आरोप, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। रसड़ा बलिया रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के पकवाईनार चौकी इंचार्ज के पिटाई से गांव वालों का हल्ला बोल मचा बवाल। गाली देने से मना करने पर चौकी इंचार्ज ने पीटा। चौकी इंचार्ज की पिटाई से बुरी तरह घायल हुआ युवक। आक्रोशित गांव वालों ने मऊ बलिया हाईवे को किया जाम। चौकी इंचार्ज के निलंबन की मांग पर अड़े ग्रामीण। मामूली विवाद में चौकी ले गए थे चौकी इंचार्ज। चौकी में ले जाकर दी भद्दी गालियां। मना करने पर की बुरी तरह पिटाई। रसड़ा सहित कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद। जाम लगाकर घंटों काटा बवाल। पूरा मामला बलिया जनपद के रसड़ा कोतवाली के पकवाईनार चौकी का है। बताया जा रहा है कि इलाके के ही पटना गांव के दो भाइयों सुगंध राम व बबलू के बीच किसी बात को लेकर पारिवारिक विवाद था। इसमें सुगंध को मार पीट कर घायल कर दिया गया। इस मामले में पकवाईनार चौकी इंचार्ज ने बबलू व उसके पक्ष के साथी उदय भान यादव को पकड़कर चौकी पर ले गए। लोगों के मुताबिक चौकी इंचार्ज उदय भान से पूछताछ कर रहे थे, इस दौरान वह उनसे उलझ गया। इस पर चौकी इंचार्ज ने उदय भान को एक थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भीड़ द्वारा पुलिस पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस लड़के ने अपने को जख्मी किया वो और उसका परिवार पिछले 20 साल से गांजा का गैर कानूनी काम करते हैं। चौकी प्रभारी ने गांजे का काम बंद करवा दिया, इसलिए परिवार के साथ लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस के अनुसार इससे नाराज युवक ने अपना सिर दीवार पर लड़ा दिया, जिससे उसका सिर फट गया। जाम से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पाकर सीओ समेत थाने की पुलिस पहुंच गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के आश्वासन पर जाम समाप्त हुआ। पुलिस अधीक्षक ने जांच पूरी होने तक चौकी इंचार्ज को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया है। बलिया से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। कल शाम थाना रसड़ा में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, इसमें की एक आक्रामक पक्ष को पुलिस द्वारा चौकी पर लाकर पूछताछ किया गया। इसमें आक्रामक पक्ष ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए रास्ता जाम किया। मौके पर अधिकारियों ने जाकर रास्ता खुलवाया और इसमें दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रकरण में एक रास्ता जाम करने का और दूसरा वादी द्वारा आक्रामक पक्ष के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस के खिलाफ जो शिकायत आई है उसमें पुलिस की जाँच की जा रही है और जाँच पूर्ण होने तक चौकी प्रभारी को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है।